अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ नंपाई मॉड्यूल। ठीक है, तो नंपाई मॉड्यूल जो यूज़ होता है वो मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। और ये इसको जो हम प्रोसेस करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एरे को प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एरे क्या है? बेसिकली एरे और लिस्ट सेम ही चीज़ है। जैसे एरे के साथ हम वर्क लिस्ट के साथ वर्क करते हैं, वैसे ही हम लोग एरे के साथ वर्क करते हैं। बट नंपाई जो जिसने भी इसको डेवलप किया है उसने दो बातों का ख्याल रखा है। नंबर वन, देखिए नंपाई जो एरेज होती हैं वो लिस्ट के कंपेयर में बहुत फास्ट होती हैं और इसमें मेमोरी स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई होता है। देखिए कम डेटा है, अगर हजारों में डेटा है तो हो सकता है आपको ये फर्क ना महसूस हो लिस्ट और एरे के साथ, बट अगर डेटा आपका लाख और करोड़ों में है तो आपको ये फर्क बहुत महसूस होगा। इवन 10 टाइम्स फास्टर होता है और स्पेस भी इसमें कम यूज होता है, ऑक्यूपाई होता है, क्योंकि इसके डेवलपर ने इसको ऐसे डेवलप किया है कि स्पेस जो है कंटिन्यूस स्पेस ये ऑक्यूपाई करें मेमोरी में। इस वजह से ये इसमें फास्ट भी होता है और स्पेस भी कम खर्च होता है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, इसको हम लोग जैसे मॉडल मॉड्यूल होता है, कोई भी पाइथन का मॉड्यूल होता है उसके तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम लोग देखिए नंपाई पिप की वेबसाइट पर जाएंगे और इसको यहाँ पर ऐसे करके इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए मेरे में इंस्टॉल है, तो ये मुझे पता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल, बट आपके में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपके में ये कमांड जो है इंस्टॉल कर देगी। तो इसको यूज कैसे करना है इसको देख लेते हैं। सिंपल, यहां पर क्या कराएंगे हम लोग, इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट नंपाई, नंपाई एज कुछ भी कर सकते हैं, एनडी वनडी कुछ भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल पाइथन का कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना है, एक एरे लेनी है। तो एरे क्या, हम सिंपल एरे जैसे लिस्ट लेते हैं वैसे ही ले सकते हैं, है ना। लिस्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे लिस्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, तो इसी लिस्ट को हम लोग इसमें डाल देंगे तो एक एरे बन जाएगी। ओके, अब ये एरे बन गई, इसको हम लोग एरे अगर इसको प्रिंट कराते हैं, हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे और इसको मैं रन कराता हूं अगर, तो क्या होगा, ये है nd.py। ओके, तो ये रन हो जाएगी। अगर मैं इसका टाइप निकालूं तो टाइप भी निकल कर आ जाएगा जैसे हम टाइप निकालते हैं। ओके, इसमें मैं स्लाइसिंग व्लाइसिंग करूं तो मैं कर सकता हूं। सेम देखिए स्लाइसिंग, ये नंपाई आ गया ना, तो स्लाइसिंग वैसे ही वर्क करती है जैसे हमारी लिस्ट में करती है। देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पर स्लाइसिंग, कैसे, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, स्लाइसिंग वैसे ही वर्क करेगी जैसे लिस्ट में करती थी। वन एलिमेंट तो ये आ जाएगा 10, देखिएगा 10 आ जाएगा, आ गया ना। टू एलिमेंट 0 1 2 3 3 पर ये आ जाएगा। स्लाइसिंग कैसे वर्क करेगी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। स्लाइसिंग वैसे ही वर्क करेगी जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है आपका एंड पॉइंट है। तो अगर आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो लिस्ट वाला वीडियो ओपन कीजिए और वहां से स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वैसे ही स्लाइसिंग होनी है यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। तो इसके बाद अगर हमें ये देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि देखिए लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल डेटा टाइप, पहला एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तो मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। बट एरेज में हम लोग एक ही डेटा टाइप, अगर फर्स्ट सारे एलिमेंट या तो इंटीजर होंगे या तो फ्लोट होंगे या फिर आपके स्ट्रिंग होंगे, सारे एलिमेंट का डेटा टाइप एक ही होगा। अगर मुझे इसका क्या नाम है, इस एरे का स्टोर कराना, मतलब चेक करना है डेटा टाइप, तो एनडी टाइप, सॉरी डी टाइप मैं यहाँ से देखूंगा और ये टाइप आ जाएगा इंटीजर 32, तो इसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको ये भी देख लिया। अच्छा, इसमें कैसे अपडेट करेंगे, सिंपल जैसे लिस्ट में अपडेट करते थे। अगर मुझे इसका इसका अपडेट करना है, ये टू टू का एलिमेंट स्टोर करना है, टू पोजिशन पर, टू इंडेक्स पर, तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे लिस्ट में करते थे। म्यूटेबल है तो ये भी म्यूटेबल है, तो इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। देखिए हो गया अपडेट। तो हमने यहाँ पर देख लिया, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टी डायमेंशन एरे भी बना सकते हैं जैसे हम लोग लिस्ट में बनाते थे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, लिस्ट में भी हम लोग ऐसे ही बनाते थे और इसमें भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये मैंने एक मल्टी डायमेंशन एरे बना ली है ना। इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो 2 रो और 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है ना, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे जैसे हम लोग करते थे
देखिए मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये आ गया, 1 3 रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, ओके। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रो आएगी फर्स्ट रो से, ठीक है, फर्स्ट रो से मुझे दूसरा एलिमेंट निकालना है, ठीक है, फर्स्ट रो से दूसरा एलिमेंट निकालना है तो मेरा यहाँ पर 14 आ जाएगा। फर्स्ट रो मीन्स, देखिए इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, 0 रो 1 रो 2 रो है ना, और 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ पर 1 रो 1 रो मीन्स ये वाली रो, इस वाली रो में 3 कॉलम, 0 1 2 3 3, तो 14 आ गया। तो हम लोग इसमें एलिमेंट को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग भी इसमें वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, ये रो है, ठीक है, तो रो कहाँ से कहाँ लेनी है आपको, रो 1 से 2 लेनी है सपोज, या 0 से आपको 2 लेनी है मान लिया, और ये आपको कॉलम लेना है ये 1 2 2, तो ऐसे आप ले सकते हैं, या फिर 3 करना है तो ये रो की स्लाइसिंग है और ये कॉलम की स्लाइसिंग है, सिंपल आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लाइसिंग को भी लर्न कर लिया, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं डेटा टाइप, इसका डी टाइप से ही कर सकते हैं इसकी। देखिए अगर मुझे शेप देखनी है, शेप मतलब इसकी ये किस शेप का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर शेप देख सकता हूँ, प्रिंट माई अरे डॉट शेप, ये शेप प्रिंट कर देगा, ये देखिए शेप कितना है, 3 और 5 का, 3 5 का शेप है ना, तो यहाँ 3 5 का शेप इसने प्रिंट कर दिया, ओके। और इसको मैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देखिए मुझे क्या करना है इसमें, अगर रीशेप करना है इसको, है ना, रीशेप करना है तो रीशेप भी मैं इसको कर सकता हूँ, कैसे, देखिए इसको मुझे रीशेप करना है, यहाँ पर ये फंक्शन होता है रीशेप का, अगर मुझे रीशेप करना है किसको, माय अरे को रीशेप करना है, किसमें करना है, रीशेप, रीशेप यहाँ फंक्शन होता है, मीन्स अभी इसकी शेप क्या है, 3 5, 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, तो 3 रोज 5 कॉलम किसमें रीशेप हो सकता है, देखिए एलिमेंट्स कितने हुए, 15 एलिमेंट्स हुए, तो 15 एलिमेंट्स ही मैच होने चाहिए, 5,3 में कर सकते हैं हम, 4,3 में नहीं कर सकते क्योंकि 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग हो जाएंगे, तो 5,3 में हम लोग इसको कर सकते हैं, मीन्स इसको रिसेव कर दिया। देखिए अभी इसमें 5 रोज हो गई, 1 2 3 4 5, और 3 कॉलम्स हो गए, तो हम इसको रिसेव भी कर सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या होता है, इसमें हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मतलब जैसे सपोज माई एरे में मैं ऐसे एलिमेंट निकालना चाहूँ जो लेस देन 20 है मान लिया, तो लेस देन 20 एलिमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर लेस देन 20 एलिमेंट उसमें 0 ये आ जाएगा, ये जहाँ जहाँ होगा वो ट्रू ट्रू निकल के आ जाएगा, और जहाँ जहाँ नहीं होंगे वहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं इसमें से वो निकालना चाहता हूँ वो अरे, कि वो अरे कौन सी है जिसमें लेस देन 20 है, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, यहाँ पर मैं ये लगाऊंगा और वो एलिमेंट आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अगर देखिए हमें इसको फॉर लूप से करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, चेक करेंगे, ये हर एलिमेंट को चेक करेंगे, उसको फिर दूसरे एलिमेंट में लेते रहेंगे, तो ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन एनडी एरे में ये बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इसको मुझे देखिए रिसेव भी करना है तो रिसेव भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ इसे को रिसेव करना तो वही रिसेव फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं इसको कर लूँगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, ओके। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग अरेंज, अरेंज फंक्शन का यूज़ करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं, अरेंज फंक्शन मतलब इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट कर सकता हूँ और अरेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, ए रेंज, रेंज होता है 1 to 100 है तो ये एक एरे क्रिएट दे देगा, रेंज दे देगा लेस देन 1 तक, मीन्स अगर 1 to 101 तक करता हूँ तो 1 से 100 तक की रेंज दे देगा और उसकी एक एरे बना देगा, ये देखिएगा एरे बना दी इसने, है ना, 1 से लेकर 1 100 तक की। अब इस पर मैं जो डेट, ये नम पाई के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता हूँ, ये मेरी पास एरे हो गई। तो देखिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि नम पाई कैसे वर्क करता है, अब आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना है, अगर आप इसमें मजीद, अगर डिटेल में आप इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें, और इसके डिटेल में और बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप उसको स्टडी करें और उसको प्रैक्टिस करें, है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो नम बाई ट्यूटोरियल यहाँ से जा सकते हैं, तो आप
इतनी सारा कुछ कर सकते हैं इसमें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नंपाई से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक स्टडी करेंगे जिससे कि हम लोग डेटा के साथ प्रोसेसिंग कर सकें। अभी के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।